Hey guys, welcome to Exam Shala. My name is Sutan Gupta and I'm your educator. So, आज का वीडियो 19 दिसंबर का शुरू हो चुका है और जो लोग नए हैं उनको बता देना चाहता हूँ, इस वीडियो में हम लोग 10 MCQ डिस्कस करते हैं ऑन रेगुलर बेसिस और इसके अलावा उसका बैकग्राउंड, उससे रिलेटेड फैक्ट्स को भी हम डिस्कस करते हैं। तो अगर आप नए हैं तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले रोज की जैसे आपके लिए क्वेश्चन, और क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है और इसके बारे में आपको जितना भी पता है आप हमें बताएंगे। सो 2019 तानसेन पुरस्कार किसने जीता है? चार ऑप्शन है आप लगे, पंडित विद्यासागर व्यास, पंडित कुमार गंधर्व, पंडित जसराज और पंडित भीमसेन जोशी। तो आप मुझे बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और इसके अलावा आप इस वीडियो की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम आपके लिए है एग्जाम शाला इंडिया बैंक SSC। आप इससे जुड़ सकते हैं और इससे रिगार्डिंग और अलग जो भी इन्फॉर्मेशन है आपसे वहाँ पे शेयर कर दी जाएगी। तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए और क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी करते जाइए कमेंट सेक्शन में। और मैं जैसे कि रोज कहता हूँ कि एक छोटा सा गोल बनाइए सवेरे सवेरे उठते ही और उस पर लग जाइए। बहुत कुछ नहीं करना होता, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट सीखनी है, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट। आप देखेंगे 6 महीने के बाद आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के टॉप मोड पे आ चुके होंगे। तो क्वेश्चन है, इंडिया हैज स्लिप्ड 4 प्लेस टू रैंक ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ जेंडर गैप। तो 4 रैंक गिरी है, ठीक है, तो अभी इसका सही जवाब क्या होगा, कौन से नंबर पे आ चुकी है? तो इसका आ चुकी है सर 112 पे, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और इसमें टोटल कंट्रीज की मैं बात करूँ कितनी है या एडिशनल इन्फॉर्मेशन कितनी है इसकी देख लेते हैं। तो 153 कंट्रीज को इस इंडेक्स में रखा गया था और जो वर्स्ट किया है काम वो किया है आपका यमन में, तो यमन वर्स्ट है जेंडर गैप में। और वहीं आपकी अगर इराक की बात करी जाए तो इराक आपका 152 पे आता है, ठीक है। और अगर पाकिस्तान की भी बात कर ली जाए तो पाकिस्तान आपका 151 पे है। तो देख सकते हैं हम काफ़ी बेटर हैं बट इतने भी बेटर नहीं हैं, 100 के बाहर हैं। तो काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमारी जो नेबर कंट्रीज हैं सच एस चाइना, श्रीलंका, नेपाल, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, इससे भी बुरे हाल हो रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए हम आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइंड मास्टर विनिंग लेसन फ्रॉम चैम्पियंस लाइफ इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। तो ये जो माइंड मास्टर है ये किसकी आत्मकथा है? सुरेश रैना, विश्वनाथन आनंद, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव। देखिए अगर आप इस क्वेश्चन में सिर्फ कॉमन सेंस भी यूज करेंगे तो माइंड की बात हमारी विश्वनाथन आनंद जी से जुड़ के आती है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा क्या है, विश्वनाथन आनंद जी की ऑटोबायोग्राफी है। अच्छा, इसको को ऑथर भी किया गया है, तो इसके जो को ऑथर है या को रिटन बाई सुजैन निनान। तो अगर पूछ लिया जाए इसके को ऑथर कौन है तो उनका नाम है सुजैन निनान, ओके, ये याद रखिएगा, NANAN, ठीक है। ये हो गई, इसमें बेसिकली क्या होगा कि आनंद की लाइफ के क्लैशेस और वर्स लॉसेस की बात करी गई है, उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किया है, तो ये नाम याद रखना है। हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन में, फॉर द 11th ईयर इन अ रो विच कंट्री इज एट टॉप इन द वर्ल्ड फॉर जेंडर पैरिटी। तो कौन सी कंट्री टॉप में है लगातार 11 साल में? तो सर जी इसका सही जवाब है आयरलैंड, ठीक है, याद रखिएगा जेंडर पैरिटी। अभी मैं जो जेंडर गैप की ही बात कर रहा था तो इसमें टोटल कंट्रीज कितनी है, वैसे कि मैंने बताया 153। अच्छा, ये जो जेंडर गैप की बात करी गई है, पैरिटी की बात करी गई है, इसके डायमेंशन कौन कौन से हैं, किस बेसिस पे इस इंडेक्स को बनाया गया है? तो देखिए इंडेक्स की जो बेसिस है वो है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, मतलब कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लड़के कितने कर रहे हैं, लड़कियाँ कितनी कर रही हैं और अपॉर्चुनिटी किसको ज़्यादा मिल रही है। इसके अलावा एजुकेशनल अटेनमेंट, एजुकेशन में लड़कों का परसेंटेज कितना है, लड़कियों का परसेंटेज कितना है। इसके अलावा हेल्थ एक्सेस देखा जाएगा, ठीक है, कि एक्सेसिबिलिटी है कि नहीं, रीच पहुंच रही है कि नहीं, तो ये सारी बातें भी देखी जाएगी और सर्वाइवल रेट कितना है। इसके अलावा पॉलिटिकल एम्पावरमेंट सच एज, जैसे इंडिया में 33% कोटा है फीमेल्स के लिए बट आज तक वो पूरा हो नहीं पाया, तो ये सारे फैक्टर्स भी देखे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका आयरलैंड टॉप में है लगातार 11 सालों से और बाकी की इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे ही थी, इज दैट अंडरस्टूड। और अगर जेंडर पैरिटी की बात करी जाए तो जो आयरलैंड का परसेंटेज है वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है, दैट इज़ 87.7% और जो ग्लोबल एवरेज है वो 68.6%। नाउ इमेजिन कितना बड़ा डिफरेंस है ये। हम आते हैं आगे और चौथा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, द फर्स्ट एवर ग्लोबल रिफ्यूजी फोरम GRF, इस फुल फॉर्म को याद रखिएगा ग्लोबल रिफ्यूजी फोरम, कहीं पर आपसे GRF भी पूछ सकता है, ये JRF नहीं है, ठीक है, वॉज रिसेंटली हेल्ड इन। तो ये GRF कहाँ पे हुई है? तो सर जी ये हुई है आपकी स्विट्जरलैंड में, इज दैट अंडरस्टूड। सो दिस कॉन्फ्रेंस इज द फर्स्ट गैदरिंग टू फॉलो अप ऑन द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्लोबल कॉम्पैक्ट ऑन
refugee. Okay, and it aims to accelerate action by government and non-government sector and civil society in implementing the new global compact on refugees. तो बेसिकली बात करी जा रही है कि जो रिफ्यूजीज हैं उनके भी थोड़े राइट्स वगैरह हैं और आपको उनको भी ध्यान देने की जरूरत है. ऐसा नहीं है कि अगर उनको कहीं से निकल दिए गए हैं तो आप भी उनको मना कर दोगे. इससे रिलेटेड बातें इसमें रखी गई हैं. अब तानसेन अवार्ड की बात करते हैं तो तानसेन अवार्ड 2019 का किसने जीता है? तो ये जीता है सर पंडित विद्यासागर व्यास ने. किसने जीता है? पंडित विद्यासागर व्यास ने. ये वोकलिस्ट हैं, ठीक है, और इनको 2019 का नेशनल तानसेन अवार्ड मिला है. अच्छा, अब ये बेसिकली इंस्टीट्यूट किसके द्वारा किया जाता है? सो द अवार्ड वॉज इंस्टीट्यूटेड बाई मध्य प्रदेश गवर्नमेंट और ये रिकॉग्नाइज करता है जो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में अपना पार्टिसिपेशन देते हैं. बात समझ में आ गई? चलिए, इसके अलावा इसमें जो आपका कैश प्राइज मिलता है वो आपका लगभग 2 लाख रुपए का कैश प्राइज होता है और इस साल ये ग्वालियर में हुआ है और आपका ये 17 दिसंबर को हुआ था, मतलब ये अभी 2 दिन पहले हुआ था और ये चलेगा आपका 17 दिसंबर से 21 दिसंबर तक. तो इस डेट को भी याद रखिएगा. और ये अभी कितने साल हो गए हैं? अगर मैं सालों की बात करूं तो टोटल ईयर हो गए हैं 95 ईयर्स. ओके, तो अगर 95 ईयर से अब तक देखेंगे तो पूरे के पूरे मतलब काउंट कर सकते हैं किस ईयर में ये स्टार्ट हुआ था. इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है और आप कोई और भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप हमको फेसबुक में भी लाइक कर सकते हैं और हमको इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं. आपको सिर्फ एग्जामशाला सर्च करना है, आपको हमारी प्रोफाइल मिल जाएगी. चलिए आगे आते हैं और आज का 6वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहा ये, विच कार्निवल वॉज रिमूव फ्रॉम यूनेस्को हेरिटेज साइट. कौन से कार्निवल को हटाया गया है यूनेस्को की हेरिटेज साइट से? तो सर जी इसका सही जवाब है रेसिस्ट कार्निवल. देखिए बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे कि अभी काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं इनको लेकर के. जैसे कि आपको पता है कि यूनेस्को लगातार हेरिटेज लिस्ट देता है अपने, लेकिन यहाँ पे रेसिस्ट को हटाया गया है बिकॉज नॉन स्टॉप यहाँ पे मॉकिंग दिखाई जा रही है कि जो अदर लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको मॉक किया जा रहा है. जाति सूचक या धर्म सूचक चीजें आ रही हैं, जैसे आपको पता है भारत में जाति सूचक चलता है या यूएस में जाए तो वो काले गोरे पे भेद करते हैं, इस वजह से ये हटाने की बात करी गई. ठीक है, वैसे रीजन पूछा नहीं जाएगा आपके बैंकिंग एसएससी में, बट फिर भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए. साथ में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के और व्हेन इज द माइनॉरिटीज राइट डे ऑब्जर्व. यू हैव 4 ऑप्शन, 21 मई, 13 अगस्त, 15 अक्टूबर और 18 दिसंबर. तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है आपका 18 दिसंबर. ठीक है, और इसका एम क्या है? इसका एम है जो माइनॉरिटीज हैं उनके राइट्स को देखना और जो वहाँ के लोग हैं उनसे जुड़े लोग हैं उनको हमें क्या करना है, उनकी जो एजुकेशन है उनको देखना है, रिलीजियस हारमोनी को देखना है, उनकी रिस्पेक्ट मिल रही है कि नहीं, इन सारी बातों को भी देखना है. ठीक है, बात समझ में आ गई? तो इतने फैक्टर्स हो गए. तो माइनॉरिटीज राइट डे कब मनाया जाता है? सर जी ये मनाया जाता है आपका 18 दिसंबर को. देखिए जी वीडियो में ज़्यादा बड़ा करता नहीं हूँ, सिर्फ 10 मिनट देता हूँ तो आप 10 मिनट देख सकते हैं और इसके रिलेटेड और भी बातें हम लगातार करते ही रहते हैं. चलिए आगे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड अरेबिक लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है? देखिए इतने सारे दिन होने लगे हैं ना, 365 दिन में सिर्फ 400 दिन हो रहे हैं तो अब हमें इंपॉर्टेंट छाटना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. सो वर्ल्ड अरेबिक डे मनाया जाता है आपको 18 दिसंबर को ही, ये याद रखिएगा. ठीक है, सो वर्ल्ड अरेबिक डे कब मनाया जाता है? सर 18 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है. अच्छा, ये जो सेलिब्रेशन है ये यूनेस्को हेडक्वार्टर पेरिस में हुआ है. ठीक है, पेरिस कहाँ पे है? सर फ्रांस की ये राजधानी है. चलिए आगे आते हैं और आज का 9वां क्वेश्चन, वेयर वॉज द सूर्य किरण 14 हेल्ड, ये कहाँ पे हुई? 4 ऑप्शन आप लोगों के लिए, कोलकाता वेस्ट बंगाल, उसके बाद उज्जैन नेपाल, जोधपुर राजस्थान, शाली झंडी नेपाल. तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए, कमेंट सेक्शन में इसे अटेम्प्ट करिए. तो इसका सही जवाब है सली झंडी और सली झंडी है आपका नेपाल में. अच्छा मुझे बताइए जो लास्ट या प्रीवियस एक्सरसाइज हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, कमेंट सेक्शन में इसे अटेम्प्ट करिए. और आज के आखिरी सवाल में हम आते हैं, 10वां ये रहा, द कैब बिल डज नॉट वेलकम रिलीजियस माइनॉरिटीज फ्रॉम विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज. पाकिस्तान, मलेशिया, बांग्लादेश और अफगानिस्तान. क्वेश्चन को थोड़ा आसानी से समझिएगा अच्छे से, रिलीजियस माइनॉरिटीज किस देश की नहीं एक्सेप्ट करी जाएंगे हमारे भारत में ये जो कैब बिल पारित किया गया है? तो इसका सही जवाब है सर मलेशिया. ठीक है ना, तो जो प्रपोज्ड है वो ग्रांट नहीं करेगा सिटीजनशिप रिलीजियस माइनॉरिटी पे और वो है आपकी मलेशिया से. ठीक है, तो ये याद रखना है. इंडिया की जो नेबर कंट्रीज हैं उनमें हमारा बात करी जाए तो मलेशिया की नहीं लिया जाएगा. और इसी के साथ हम आज के वीडियो को करते हैं खत्म, मिलते हैं अगले वीडियो में. टिल देन हैव अ नाइस डे.